गमोरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम फतेहगढ़ में आम सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में जनता जनार्दन पहुंची, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया और पूर्व की मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया एवं जिस प्रकार मोदी सरकार कार्य कर रही है उससे निश्चित ही भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा एवं जनता को संकल्प दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्री के पी यादव को भारी बहुमत से विजय दिलाएं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार, भाजपा के वरिष्ठ नेता बिजमोहन सिंह, सूर्य प्रकाश तिवारी जी, राजेंद्र सलूजा, विधानसभा प्रभारी ओ एन शर्मा भी मौजूद रहे। सभी ने भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की। अरे कमलनाथ बोल डालते क्या रेडी जी चली गए, अब मुख्यमंत्री तुम और गाड़ी हमें जरा भाजपा वालों ने कर मारी, भाजपा वालों ने तुम क्या कर रहे हो, कोई हाथ पकड़ के कर मारे पकड़ो, कौन से भाजपा वालों ने कर मारे, मोबाइल की रोशनी में कमलनाथ ने वोट डाले। अब तक चार महीना में 5 बार पैसा डाल देता किसी ना किसी बहाने। मैं तो रास्ते ही देखता था कि कैसे राहुल बाबा इतवार की छुट्टी क्या ऐसे देश चलेगा बताओ मुझे, ऐसे देश नहीं चल सकता मेरे बहन और भाइयों। एक तरफ जो दलित जैसे सुविधा होगी राजनीति करने वाले, केवल महाराज की जय हो, महाराज की जय, भाई के महाराज। झागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम गिरार की रिपोर्ट।